Good morning, my dear students. Today we will discuss the practical work in geography. My dear students, previous classes में आपने practical के बारे में पढ़ा हुआ, हमने maps के बारे में पढ़ा था. Maps किस प्रकार से बनाए जाते हैं, क्या map की importance है और उसको कैसे बनाया जाता है, वो इसके बारे में पढ़ा था हमने, वो भी देख सकते. लेकिन ये जो आपकी 12th क्लासेस में हमारा जो टॉपिक है, यहाँ प्रैक्टिकल जो वर्क है, उसमें हमारा डाटा से रिलेटेड है. डाटा है, कुछ हमारे जो स्टैटिस्टिकल डायग्राम है उसके बारे में है. वो भी कई प्रकार के चैप्टर हैं, इसमें कई चैप्टर हैं. तो यहाँ पर बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा हुआ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, वेरियस टॉपिक आते हैं. तो उनकी जानकारी, एक एक्चुअल जानकारी किस प्रकार से लेते हैं, तो डिफरेंट टाइप का आप डेटा देखा. जैसे हम बात करते हैं पॉपुलेशन का डेटा है, पॉपुलेशन स्टेट वाइज बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, भाई स्टेट में कितनी है, डिस्ट्रीब्यूटी में कितनी है, इस प्रकार की बहुत चीज़ें, बहुत सी फैक्ट जो है हम वो करते हैं इसमें. लेकिन उसका हम सोर्स कहाँ से लेते हैं, डेटा जो डेटा हमारे पास आता है उसका सोर्स कहाँ से कैसे होता है और क्यों ज़रूरी है डेटा, क्वान्टिटी ज़रूरी. एक दौर आया था कि जिसमें क्वांटिटी ज्योग्राफी डेटा को पढ़ा हुआ, और उसका मतलब जब कि जो हमारे पास डेटा है लैंड सरफेस के ऊपर, चाहे वो जैसे बात करते हैं लैंड यूज कितनी है, टोटल लैंड जैसे कितनी इंडिया की, कितने परसेंट जो है उसको उसमें एग्रीकल्चर होता है, कितनी वेस्ट लैंड है, इस प्रकार से बहुत सी कैटेगरी है. तो सारा का सारा डेटा ये हमारे पास कैसे आता है, किस प्रकार हम इसको कंपाइल करते हैं और कैसे हम इसको दिखा सकते हैं, एक डायग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं, एक टेबल के द्वारा सकते हैं. तो इस प्रकार से हम डाटा के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज पाए जाते हैं हमारे देश में, या पूरे वर्ल्ड में. अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, उस कंट्री में ये है वहाँ पर इतना कोयला होता है, या मिनरल्स, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं. तो सारी चीज़ें इनका हमने एक डाटा उसको एक उस प्रॉपर वे में करते हैं कन्वर्ट, कैसे करते हैं कन्वर्ट, तो इसके बारे में जानकारी देंगे हम आपको. यहाँ पर यू मस्ट हैव सीन एंड यूज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाटा. आपने बहुत सी देखा हुई वो डेटा आप मेरेगंज पढ़ते हैं, स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, भाई जैसे मीन मीडियन मोड फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, कोई डाटा कलेक्ट करते. फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द ऑलमोस्ट एवरी न्यूज़ बुलेटिन ऑन टीवी द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन दैट डे इन द मेजर सिटीज आर डिस्प्लेड. जैसे बात करते हैं टेम्परेचर का डेटा, तो अभी आज जो है हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ किस किस टाउन का टेम्परेचर कितना है, सिंपली रिकॉर्ड किया जाता है. दिल्ली का टेम्परेचर इतना रहा, चेन्नई का इतना रहा, बेंगलोर का इतना रहा, मुंबई का इतना, इस प्रकार से मेन मेन जो टाउन, तो ये सारा का सारा डाटा ये रिकॉर्ड किया जाता है, कनेक्ट करते हैं उसके बाद उसको कंपाइल किया जाता है. सिमिलरली द बुक्स ऑन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया शो डाटा रिलेटिंग टू द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड द प्रोडक्शन. इस प्रकार डाटा को पढ़ा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड ऑफ द वेरियस क्रॉप्स मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इन टेबुलर फॉर्म. जैसे बात करते हैं भी किस साल में जो है कितना वीट का प्रोडक्शन था, या जो कॉटन है उसका प्रोडक्शन था, राइस का प्रोडक्शन था, या मिनरल्स हैं या प्रोडक्ट, इस प्रकार का एक डेटा ईयर वाइज, और हम इस प्रकार से उसको डील करते हैं. तो सारा का सारा डेटा है, हम क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में, इट इज़ नेसेसरी. हैव यू एवर ए थॉट व्हाट दे मीन, इसका मीनिंग क्या है, कभी आपने सोचा फ्रॉम वेयर दिस डेटा आर ऑब्टेन, ये डेटा हमें कहाँ से प्राप्त होता, कैसे हम इसको कलेक्ट करते हैं, हाउ आर दे टेबुलेटेड एंड प्रोसेस टू द एक्सट्रैक्ट मीनिंग फ्रॉम, उसके बाद हम इसको कहाँ से देखिए टेबलेट किया जाता है, उसको टेबल किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उससे एक आस्पेक्ट निकलता है, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. भाई क्यों हमारे देश में जैसे बात करते हैं पहले जो है वो कितना क्या होता था, जैसे बात करते हैं भाई एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं, या पॉपुलेशन की बात करते हैं, किसी क्रॉप्स की बात करते हैं, पहले वो क्रॉप्स कितनी थी, प्याज कितनी होती है, पर एकड़ कितना है, प्रति एकड़ उत्पादन कितना होता है हमारे यहाँ, और इसके अलावा जैसे बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, किस क्यों हम वहाँ पर, उसके कौन कौन से फैक्टर हैं. हम ये सारा का सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, क्यों करते हैं बच्चों में आपकी तरह से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. हमने हर साल देखते हैं कि प्लानिंग बनाई जाती है, प्लानिंग कमीशन होता है हमारे देश में, नीति आयोग है उसके,
जितना भी डेटा हमारे देश में होता है, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो लैंड पर हैं या मिनरल्स पर हैं, जिस प्रकार के सोर्सेज पाए जाते हैं, उस डेटा को इकट्ठा किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। तो किस प्रकार का डेटा है, हमारी जो पॉपुलेशन है उसके साथ फिर हम देखते हैं भी यहाँ पर इतनी जनसंख्या है तो उसको कितने लोग यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे कर रहे हैं इसको, कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से उस देश का, उस एरिया का, पूरे कंट्री का अगर बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, उस एक स्पेसिफिक एरिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर प्लानिंग की जाती है कि वहाँ पर जो रिसोर्सेज है, वो टाइप ऑफ लैंड है, सोइल है, मिनरल्स है और अन्य टाइप की जो सोर्सेज वहाँ पर पाए जाते हैं, उसके बारे में एक प्रॉपर जानकारी लेते हैं। प्रॉपर जानकारी कहाँ से मिलेगी आपको, जब उसका एरिया का हमारे पास डेटा होगा। डेटा की बात करते हैं, डेटा जो हमेशा उपलोड में होता है, इसको एनालिसिस किया जाता है, टेबलेशन किया जाता है। तो ये था कि जानकारी के ऊपर, उसके बाद हम बात करते हैं किस डेटा। द डेटा डिफाइंड एज नंबर्स दैट द रिप्रेजेंट द मेजरमेंट्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। हम इक्वेशन करते हैं हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं, हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है। ये डेटा कहाँ से आता है, किस प्रकार से बोलते हैं? रियल वर्ल्ड में डेटम इज ए सिंगल मेजरमेंट, एक मेजरमेंट होता है, मापने का तरीका होता है। वी ऑफन रीड द न्यूज़ लाइक द 20 सेंटीमीटर्स ऑफ कंटिन्यूस रेन इन द बाड़मेर, पिछले 24 घंटे वहाँ पर रेनफॉल 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर्स ऑफ रेन एट द स्ट्रेच ऑफ द बंसवाड़ा 24 hours और इंफॉर्मेशन सच एज द न्यू दिल्ली, रेनफॉल का डेटा हो, चाहे टेम्परेचर का डेटा हो या और किसी प्रकार का, मुंबई डिस्टेंस वाया द कोलकाता, भाई मुंबई जो है वो डिस्टेंस कितना है मुंबई से, 1385 किलोमीटर्स एंड वाई टार सी मनमाड इज द 1542 किलोमीटर, भी वहाँ से जाएंगे कितना पड़ेंगे वहाँ। तो ये जैसे बात करते हैं यहाँ से कोई भी प्लेसेस, दो प्लेसेस है, उनका डिस्टेंस कितना है, कैसे जाएंगे, तो जानकारी हमारे पास ही होनी चाहिए। ट्रेन से जाते हैं, एयर से जाते हैं, कितने टाइम लगता है, या अपनी गाड़ी से जाते हैं। द न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, जो न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम डेटा बोलते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, हमारे स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, उसके बाद फिर क्लास वाइज कितने हैं, नर्सरी में कितने हैं, फर्स्ट में कितने हैं, इस प्रकार से सारे का सारा डेटा। उसके बाद हर एक क्लास वाइज उसमें फिर हम देखते हैं भी जो बच्चे हैं तो वो उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कौन गांव से आता है, कौन शहर से आता है, उसके बारे में देखते हैं कि उसका जो परसेंटेज बच्चों का किस लेवल के बच्चे, तो उसको गहराई से एनालिसिस कर सकते हैं। तो कोई भी डेटा इसके पास द न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, इट मे बी ईजिली रियलाइज दैट देर आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा अवेलेबल अराउंड द वर्ल्ड। हाउएवर at times it becomes difficult to draw the logical conclusion from these data if they are improper, matlab isko ek data ikattha kar liya hai, ikattha hui ek gaon mein gaye hai, lekin uska ek meaningful baat hai, jab tak usko hum ek arrange nahi karte logically koi meaning nahi nikalta, hence it is important to ensure that the measured information is algorithmically derived and the logically deducted and the statistically calculated from द मल्टीपल डेटा, उसको एक अरेंज करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा एक फॉर्म में। इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज आइदर ए मीनिंगफुल आंसर टू ए क्वेरी और मीनिंगफुल स्टिमुलस दैट कैन कास्केड इनटू द फर्दर क्वेरीज, जिसको बात करते हुए तो डेटा आपने लिया उसको एक टेबल बढ़ाएगा, उसकी असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद उसको जैसे मीन निकाल दें, कितना रहा मीन, कितना है मीडियम, कितना है मोड, कितना है फ्रिक्वेंसी, कितनी है उसकी, तो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन तभी मिल पाएगी। बात करते हैं हमारे यहाँ पर स्कूल में तो कितने हैं, उसके बाद भी कितने मेल हैं, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स, इस क्लास में कितने हैं, ये सारी चीज़ों का एक अरेंज करना पड़ेगा, रिपोर्ट कहाँ से आता है डिटेल लॉजिकली, तभी आप उसका एक निचोड़ निकाल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नीड ऑफ डेटा क्यों जरूरत पड़ती है, जानकारी जो है इसकी देखने के लिए जो है नीड ऑफ डेटा, द मैप्स आर इम्पोर्टेंट टूल्स इन स्टडिंग द ज्योग्राफी, जो आपने पढ़ा है 11th क्लास में, भी मैप जो है वो एक मैप इज ए स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज ए टूल, मैप आर द इम्पोर्टेंट टूल इन स्टडिंग द ज्योग्राफी, जब ज्योग्राफी पढ़ते तो मैप, चाहे वो वर्ल्ड का मैप है, किसी भी एरिया का मैप,
Besides, the distribution and growth of the phenomena are also explained through the data in tableau 4. This is the Haryanagi Junction, so nearly people in here. यहाँ का टेम्परेचर इतना ही, ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो उसके एरिया की बात करते, पूरे इंडिया की बात करते, पूरे वर्ल्ड की बात करते, तो मैप की तो देखा जाता है. वी नो दैट एन इंटरलेशनशिप द एग्जिस्ट बिटवीन द मेनी फिनोमिना. इसी बात करते हैं, रेनफॉल कितनी होगी, तो उसके अंदर जो क्रॉप्स का रेनफॉल का आपस में कॉम्बिनेशन है, टेम्परेचर कहाँ पर कितना है, उसके अनुसार ही हमारे यहाँ क्रॉप्स होते हैं. तो इस प्रकार से कोरिलेशन की बात हम करते हैं, कोरिलेशन हम बराबर भाई, अगर रेनफॉल वहाँ पर लैंड किस प्रकार की है, प्लेन एरिया है, सोयल अच्छी है, तो वहाँ पर क्रॉप्स अच्छी होंगी, और क्रॉप्स अच्छी होंगी तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. इसके अलावा मान लीजिए माउंटेन एरिया है या उबड़ खाबड़ एरिया है, लैंड जो है वो अनरेगुलेटेड है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता वहाँ पर, बड़ा मुश्किल है. जैसे हम देखते हैं माउंटेन एरियाज में या डेजर्ट एरिया है, तो जब सारी कंडीशन ठीक होती है उसका आपस में कोरिलेशन है, उस एरिया का डेवलपमेंट होगा. भाई यहाँ पर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है, उसके कौन कौन से फैक्टर हैं, इस प्रकार से हम कोरिलेशन करते हैं भैया. कि लैंड जो है वो प्लेन है, सोयल फर्टाइल है, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, तो दीज आर द फैक्टर्स. दीज इंट्रैक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाई द मैनी वेरिएबल्स विच कैन बी, इस प्रकार से इसमें बहुत सी इस कैन बी एक्सप्लेन्ड बेस्ट इन द क्वान्टिटी टर्म्स. इसको हम जैसे क्वान्टिटी में बात कर रहे हैं. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द दोज वैल्यूएबल हैज बिकेम ए नेसेसरी टुडे. तो मीन जिसमें एक आंकड़े जो होते हैं, एक संख्या, उसको एनालाइज करते हैं, एक संख्या की जरूरत होती है, उसको हम एक फॉर्म में बात करते हैं. दोज वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल्स का हमने डाटा इकट्ठा किया है, तो बात करते हैं, तो उसमें तब उसको एक फॉर्म बढ़ाएंगे उसकी. बिकेम ए नेसेसिटी टुडे, फॉर एग्जाम्पल टू स्टडी द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ एन एरिया. जैसे बात करते हैं कि किसी एरिया की क्रॉपिंग पैटर्न, यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न कितना, यानी कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है. जैसे हरियाणा की बात करते हैं, आप यहाँ कौन सी तरह की बात करें, तो यहाँ पर जो मेन क्रॉप्स है वो वीट और राइस है. वीट जो है वो रबी क्रॉप्स है और राइस है वो खरीफ क्रॉप्स है. तो ऐसा क्यों है क्रॉपिंग पैटर्न, या इसके अलावा भी बहुत सी क्रॉप्स उगाई जा सकती है, मक्की भी हो सकती है, या हमारे यहाँ पर जैसे आलू उगाया जाता है, सब्जियाँ उगाई जाती है. It is necessary to have statistical information about the cropped area. भी total cropped area की जैसे total जो area है वो कितना है, उसमें से कितने percent पर, यानी कितने percent पर जो है rice उगा जाते हैं, कितने percent पर जो है other crops उगाए जाते हैं, खरीफ की बात. इसी प्रकार से रबी की बात करते हैं, रबी क्रॉप्स की कितने percent पर जो है वीट उगा जाता है, या इसके अलावा और कोई क्रॉप्स हैं, पोटेटो है या सरसों है, इस प्रकार की क्रॉप्स ये क्यों उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है एवरेज क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्शन, भी पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो कितना होता है, टोटल कितना होता है, पर एकड़ कितना होता है. ऐसे बात करते हैं आजकल हरियाणा पंजाब में जो पर एकड़ उत्पादन है वो ज़्यादा होता है, वीट की बात करते हैं, राइस की बात करते हैं, बाकी जो स्टेट है वहाँ क्यों नहीं होता है, हमने पढ़ा होगा 10th क्लास में ड्यू टू द ग्रीन रेवल्यूशन. और ग्रीन रेवल्यूशन का असर यहाँ पर ही क्यों है, उसके कौन कौन से कारण है. इस प्रकार से यहाँ का जो किसान है वो जागरूक है, उसके पास नए नए इक्विपमेंट है, तो इस वजह से यहाँ जो पर एकड़ जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा है. क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्शन, इरिगेटेड एरिया कितना भी, इरिगेशन के मीन्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन से, कैनाल से करते हैं, ट्यूबवेल से करते हैं, टैंक से करते हैं, इसके अलावा और कोई यहाँ पर मीन्स है. अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितनी रेनफॉल होती है, इनपुट लाइक द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, हम फर्टिलाइजर का कितना यूज़ करते हैं, तो सारे के सारे डाटा इकट्ठे किया जाता है. इसे आजकल हम बात करते हैं भाई हरियाणा पंजाब में रेनफॉल तो होती है, लेकिन किसान जो लगातार पिछले काफ़ी सालों से जो है राइस की क्रॉप्स उगा रहे, जबकि राइस के लिए जो अगर यहाँ पर जो रेनफॉल वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसकी जगह और कोई जो क्रॉप्स है उसको रिप्लेस करना चाहिए, जैसे मक्की है या और कोई क्रॉप्स है. तो सरकार जो है टाइम टू टाइम इस प्रकार की लोगों को एडवाइस देती है, भी इसको राइस को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके कारण जो है वो ग्राउंड वाटर का लेवल, जैसे हम बात करते हैं हमारे यहाँ सर्वे करते हैं जो है, तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ही चला गया, पहले हाई था, लेकिन लगातार जो है राइस की क्रॉप्स उगाने से ट्यूबवेल बहुत ज़्यादा हो गया, और सरकार ने उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिया, भाई कुछ कंडीशन लगा दी कि आप ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, ज़्यादा पानी जो है वो यूज करते हैं. या कई बार हम जैसे अन्य जो फसलें हैं, जैसे की बार हम बात करते हैं, अन्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने और भी कई प्रकार की स्कीम, आप मक्की उगाइए या बाजरा उगाइए, गन्ना उगाइए,
आपको जो है तो सब्सिडी मिलेगी या एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाएगी, इस प्रकार की कुछ सरकार के द्वारा घोषणाएं की जाती है, कितनी ठीक होती है कितनी नहीं होती बात अलग। सिमिलर द डेटा लेट टू द टोटल पॉपुलेशन, इस प्रकार से बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन उसमें मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं एज कितनी है किस एज ग्रुप के कितने हैं उसमें रूरल कितने हैं ग्रामीण कितने हैं डेंसिटी कितनी है नंबर ऑफ माइग्रेंट्स बाहर से लोग कितने आते हैं ऑक्यूपेशन क्या लोगों का उसकी सैलरीज कितनी है इंडस्ट्रीज कितनी मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन क्या है यहाँ पर एंड कम्युनिकेशन इज नीडेड टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ द सिटी दिस डेटा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ज्योग्राफिकलाइजेशन। तो किसी एरिया की जब हम कोई स्टडी करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या संसाधन है उसका एक डेटा इकट्ठा किया जाता है, वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन कितनी है डेंसिटी कितनी है एज ग्रुप क्या है एजुकेशन कितनी है वहाँ पर सोशल कंडीशन किस प्रकार की है इनकम कितनी है लोगों के पास ट्रांसपोर्ट किस प्रकार की है इंडस्ट्रीज क्या है मतलब उसके सारे चीज़ों का आपस में कोरिलेशन किया जाता है और तभी उस देश का जो है विकास उसके आधार पर ही हम जो है वो फिर प्रारंभ करते हुए यहाँ पर क्या संभावनाएं हो सकती हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हम कोई भी डेटा उसको किस प्रकार से प्रेजेंटेशन डेटा है उसको एक अरेंज करते हैं, ऐसे नहीं कि डेटा अपने असेंडिंग वोटिंग डिसेंडिंग वोटिंग उसके बाद में बात करते हैं कैटेगरी बनाई जाती है इस के बीच में कितने लोग यहाँ पर यू माइट हैव हियर द स्टोरी ऑफ ए पर्सन हु वाज ट्रेवलिंग विद हिज वाइफ एंड ए 5-year-old चाइल्ड ऑन हिज वे हियर टू क्रॉस ए रिवर उसने एक रिवर को क्रॉस एक स्टोरी फर्स्टली द फैदम्स द डेप्थ ऑफ द रिवर ऑफ द फोर्थ वर्ल्ड उसमें देखते 0.6, 0.8, 0.9, 1.5 meters ही कैलकुलेट द एवरेज डेप्थ ऑफ द 0.9 क्योंकि एक डेटा अगर मान लीजिए कई बार हम जो स्टैटिक्स है वो किस प्रकार से जो है लागू नहीं होती है। अब उसने एक रिवर को पार कर उसने वहाँ पर क्या किया रिवर की गहराई को माप लिया बेस की गहराई इतनी है और जो चार बंदे थे उसके पास जो भी थे उसका मीन निकाल लिया कि हमारी इतनी है उसमें कहा भी कैलकुलेशन तो ठीक आई लेकिन फिर मेरा पूरा का पूरा परिवार जो डूब गया तो उसकी वो वहाँ पर लागू हो गई चीज़ें कई एरिया में मीन इतना अभी वहाँ निकाल दिया ही कैलकुलेटेड द एवरेज डेप्थ ऑफ द 0.95 meters उसने कर दिया इसकी एवरेज डेप्थ इट चाइल्ड हाइट वॉज द 1 meter सो ही लीड देम टू द क्रॉस रिवर्स एंड his child drowned in the rivers. On the other bank, he sat pondering the lekha-jokha. Lekha-jokha, bachao do, doba koi. Why did the child drown when the average depth was within the reach of each one? This is called the statistical fallacy. Is it not to tell you? Lekha-jokha, to uska theek tha, pura tha, lekin jab bhi kundo do diya uska bachao ko. तो यहाँ पर कई बार इस प्रकार की इसमें जो स्टैटिस्टिक्स है आपके जो डेटा इकट्ठा करते हैं उस पर यूज़ क्या हाउ टू यूज़ आपने लिखना भी यहाँ पर यूज़ होता नहीं अप्लीकेबल उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है जो एप्लीकेशन है कहाँ पर यानी कि रिवर को पार करना है आपने अपने इतने बंदे थे चार बंदे थे उसकी मेल निकाल ली और उसके बाद फिर उसमें परिवार सारा उसको देख लिया तो ऐसे ही ना करें आप इस प्रकार से आई द चाइल्ड ड्राउन एंड एवरेज डेप्थ वाज द विद इन द रीच ऑफ इच वन दिस इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिक फॉल्सी विच में डिवेट यू फॉर्म द रियल सिचुएशन इसके कारण आप वहाँ से डिवेट हो जाते हैं भटक जाते हैं भटका हुआ जाता है रियल सिचुएशन सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कलेक्ट द डेटा टू नो द फैक्ट्स एंड द फिगर्स तो कोई भी डेटा है उसके जो फैक्ट्स और फिगर है उनको जाने इसकी सच्चाई क्या है बट इक्वली इम्पोर्टेंट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टूडे द यूज ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड इन द एनालिसिस प्रेजेंटेशन एंड कि कोई भी डेटा आप उसको कोई उनको सर्विस में बात करते हैं कई बार बहुत से मेथड होते हैं बच्चे यहाँ पर जैसे बार डायग्राम के द्वारा लाइन ग्राफ के द्वारा मल्टीपल बार डायग्राम के द्वारा या डॉट मेथड के द्वारा कॉर्पलेट मेथड के द्वारा बहुत से मेथड होते हैं जिसको आप स्टैटिस्टिकल मेथड कह सकते हैं डायग्राम कह सकते हैं उसके द्वारा ये इसके अलावा से उसको मरेन भी कर देते हैं द यूज ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड इन द एनालिसिस प्रेजेंटेशन In a drawing, a conclusion plays an important role in almost all disciplines, including the geography, which use the data. It may therefore be inferent the concentration of the phenomenon. इसके कारण उसमें एक पहुंच जाते हैं उसको जैसे कोई मीन निकालते हैं मीन निकालते हैं और प्रोग्रेसिव की बात करते हैं एग्जाम्पल द पॉपुलेशन फॉरेस्ट और नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नॉट ओनली
vary over space and time. We vary the space and time. Population and forest and time, but maybe also we conveniently explained using the data. लेकिन फिर उसको data के द्वारा हम explain कर सकते हैं यहाँ पर इतना एक क्यों है किस प्रकार से इसको करते हैं. Analysis the explaining the relationship among the variables. हम दोनों दो variable के बीच में भी यहाँ पर forest के वहाँ पर rainfall कितनी है. तो उसको वो ये बड़ा सा भी चला. Not only the vary over space and time, but may also be conveniently explained using the data. In other words, that you may say that there is a shift from the qualitative description to the quantitative. Just the quality is the quantitative. Analysis in the explaining the relationship among the variables. उन दोनों variable के बीच में जिसमें बात करते हैं भी rainfall होगी तो इसका मतलब वहाँ पर rice होगी, crops अच्छी होगी, तो दोनों का correlation होगा. अगर वहाँ rainfall नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, crops नहीं हो सकती. As the analytical tools and techniques have the becomes more important. जब हम कोई उसको एनालाइज करते हैं तो वहाँ पर टूल और टेक्निक क्या आपके पास, किस प्रकार का टूल उसको कहाँ यूज करना, आपके पास कोई टूल है तो उसको आप कहाँ यूज करेंगे, डिपेंड करता है कि आपकी जो ब्रेन है वो किस प्रकार का, आप टेक्निकली कितने स्ट्रांग हैं, आपकी जो थिंकिंग है वो किस प्रकार की. कोई भी काम करते हैं, काम करने का एक अलग अलग तरीका होता है, मेथड होता है, उसको कैसे काम करते हैं. It may therefore be inferred that the percentage of phenomena, example the population, forest or network of the transportation or communication, not only vary over space and time, but may also be conveniently explained using the data. In other words, you may say that there is a shift from the qualitative description to quantitative analysis in explaining the relationship among the variables. Hence, the analytical tools and techniques have become more important these days to make the study more logical and drive the precise conclusion. ठीक है, आजकल तो लोग उसको कोई भी स्टडी उसको एक लॉजिकल है, इसके तर्क होना चाहिए, ये काम है. तो लॉजिकल, लॉजिक क्या होता है, लॉजिक इज द आर्ट ऑफ रीजनिंग. ये कोई भी आप काम करते हैं उसमें एक तर्क है भाई, इसके पीछे ये कारण है, दिस इज द रीजन, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. आप कोई बात कहते हैं तो उसका सच्चाई कैसे माने उसको, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए. तो लॉजिक इज द आर्ट ऑफ रीजनिंग, इसके पीछे ये कारण मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये है. एंड ड्राइव प्रसाइज, उसके बाद ही जो आप उसका जो प्रसाइज जो निकाल सकते हैं प्रसाइज. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर यूज द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कलेक्टिंग एंड द कंपाइलिंग डेटा. तो हमको भी डेटा इकट्ठा करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, उसको टेबलेशन किया जाता है, उसको रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ऑर्डरिंग भी किया जाता है, एनालिसिस टिल द डेरिवेशन ऑफ द कंक्लूजन, जब तक उसका कोई कंक्लूजन हम नहीं ड्राइव कर सकते. तो जैसे कोई डाटा इकट्ठा करना तो उसका एक होना चाहिए भी आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई आप ये डाटा इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ पर होगा, कैसे करेंगे, उसका एक तरीका अपनाइए. ये नहीं कि चल पड़े आप इसी करने. जैसे हम सर्वे करते हैं, जो सर्वे कराता हूँ उसके द्वारा आपका इसमें सिलेबस में नहीं है तो करवाएंगे थोड़ा टाइम लगे. तो हम किसी गाँव में जाते हैं, हमारे पास मान लीजिए 20 बच्चे, तो हम टीम बना लेते हैं, मेरी तीन बच्चों की, चार बच्चों की एक टीम बना दी, उसमें एक गाँव बस पूरा करते हैं. तो उसमें ये गली, ये एरिया आपका, ये एरिया आपका, ये एरिया अलग अलग से करते हैं. क्योंकि आपने डाटा इकट्ठा करना, उसको बाद फिर डाटा को कंपाइल करते हैं. तो इस तरह से हमारा मेन मकसद क्या है, किस चीज़ का डाटा, लैंड यूज का करना है, या अपने पावर्टी का करना है, या यहाँ पर और कोई चीज़ बहुत से हमारे. तो आप उससे सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन बना लेते हैं, लोगों से बात करते हैं, कैसे आपने बात करनी है ताकि लोग सस्त कर सकते हैं, कई बार बताते हैं. सोर्सेज ऑफ डाटा, तो यहाँ पर बात करते हैं द डेटा आर कलेक्टेड थ्रू द फॉलोइंग वेज. डेटा कैसे कैसे मतलब हम कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी सोर्सेज होता है सबसे पहले, सेकेंडरी सोर्सेज, द डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इंडिविजुअल्स और द ग्रुप और फिर जिसमें आपको बताऊँ किसी गाँव में जाते हैं तो हम डेटा इकट्ठा करते हैं. एक ग्रुप के द्वारा होता है या इंडिविजुअल आते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन और कारोबार या कोई भी संस्था है या कोई संगठन है वो अपना डेटा इकट्ठा करते हैं. प्राइमरी सोर्सेज ऑफ द डेटा, ऑन द अदर हैंड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एंड इज पब्लिश, जैसे कोई डेटा पब्लिश सरकार के द्वारा पब्लिश है या किसी संस्था के द्वारा पब्लिश है, अनपब्लिश भी हो सकता है, सोर्स हजार काल दस के अंदर कोई बात पब्लिश करते नहीं करते. इस प्रकार से इसमें फिगर दिया 1.14 डिफरेंट मेथड का डेटा कलेक्शन. तो सोर्सेज ऑफ प्राइवेट डेटा, किस प्रकार से हम जो है वो कैसे प्राइवेट डेटा जो है हम करते हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन के द्वारा कर सकते. It refers to the collection of information by individuals or group of individuals. जैसे व्यक्तिगत रूप से जाकर के या कुछ लोग जाकर के.
थ्रू द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, फील्ड में जाते हैं और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं थ्रू फील्ड सर्वे इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीफ फीचर्स, ड्रेनेज पैटर्न। जैसे मान लीजिए आपने रिलीफ फीचर के बारे में, वहाँ का रिलीफ ग्राफ किस प्रकार का, तो वहाँ फोटोग्राफ्स लेके आप देखते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं, ड्रेनेज पैटर्न किस प्रकार का है, वहाँ की सोइल कैसी है, वेजिटेशन कैसी है, एज वेल एज पॉपुलेशन स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, सेक्स रेशियो, तो कोई भी आपने एक पॉइंट ले लिया, लिटरेसी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन, अर्बन अर्बन सेटलमेंट एक्सेट्रा, इज लाइक कैरिंग और पर्सनल ऑब्जर्वेशन, द पर्सनल इन्वॉल्व मस्ट हैव द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। इसे आप कोई चीज़ देखती तो आपके पास किस प्रकार से करेंगे ऑब्जर्वेशन, तो देखना पड़ेगा, एक साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए आपका, यदि की वजह से देखते रहे इसमें कोई भाई किस प्रकार के लोग हैं, सोयल कैसी, तो सोयल की जानकारी आपको होनी चाहिए, जब तक सोयल भी कौन सी अवेलेबल सोयल है, ब्लैक सोयल है या डेजर्ट सोयल है, जब तक सोयल की जानकारी नहीं होगी तो क्या आपका डाटा इकट्ठा करेगा, यहाँ पर कितनी सोयल पाई जाती है, ड्रेनेज का पैटर्न किस प्रकार का है, फिर आप ड्रेनेज का किस प्रकार का है, रेडियल है या डेंट्रिक है, किस प्रकार का है, क्या कहाँ कहाँ से वाटर इकट्ठा होता है, ये सारी चीज़ें, तो ये उसके बारे में इंटरव्यू के तरफ इनकी बार इंटरव्यू, तो इसमें कुछ दिखाया गया, ये डायग्राम देख सकते हैं कि इसमें मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, प्राइमरी डेटा जो है पर्सनल ऑब्जर्वेशन के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा, क्वेश्चन शेड्यूल करके और अदर मेथड्स। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा जो है, वो पब्लिश रिसोर्सेज होते हैं, कुछ अनपब्लिश्ड होते हैं, इसमें गवर्नमेंट भी हो सकती है, कुछ गवर्नमेंट हो सकती है, इंटरनेशनल प्राइवेट न्यूज़पेपर्स, तो इसी प्रकार से अनपब्लिश्ड में भी गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के लिए, तो ये फिगर है, इसको ध्यान से रखें। अब जैसे इंटरव्यू करते हैं, अगर कुछ जानकारी मिलना चाहते हैं तो एक इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं, दिस मेथड द रिसर्चर्स गेट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट थ्रू द डायलॉग्स एंड द कन्वर्सेशन, से बात करता है कोई, यस या नो सवाल होते हैं या उससे जानकारी लेता है, हाउएवर द इंटरव्यूअर मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस व्हाइल कंडक्टिंग एन इंटरव्यू विद द पीपल ऑफ द इंटरव्यू। अगर हम कोई इंटरव्यू क्रैक करते हैं तो कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको ध्यान रखना, ए प्रिसाइज लिस्ट ऑफ द आइटम्स अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज टू बी गैदर्ड फ्रॉम द पर्सन इंटरव्यू बी प्रिपेयर, भाई आपने कौन सी जानकारी जो है वो करेक्ट गैदर करनी है वहाँ से इंफॉर्मेशन को, उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए साइट, भाई आपने जैसे बात करते हैं बदलाव जाते हैं, भाई आपका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हो, उस ऑक्यूपेशन देखना, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी, उसमें भी कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर करते हैं, पशुपालन करते हैं, कौन सा the person involved in the conducting the interview should be clear about the objective of it. The person should know what is the bhai mera ye clear kare bhi mera ye objective hai sir, mera uddeshya hai, ye nahi ki waise hi kar raha hu, mera ye main purpose ye hai, isse ye fayda hoga. The student say should be taken into the confidence, jo bhi respondent ke liye baat karte hai usko ek confidence should be taken into the confidence before asking any sensitive question. So आप पूछते हैं तो उसे बात करें प्लीज, मैं आपकी कोई गलत इसका मिस यूज़ नहीं करूँगा, जानकारी दीजिए प्लीज़, तो वो फ्रेंकली जानकारी दे सकता है, आप उसको ऐसे नहीं बताएंगे कि मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, तो उसको आपने जो है कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा. शी बी एश्योर्ड दैट द सीक्रेसी विल बी मेंटेन, कभी आप जो बताएंगे उसकी जो है सीक्रेसी रखी जाएगी, ऐसी कोई यहाँ पर होनी चाहिए, तो उसको क्लियर करेंगे, उसके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. द स्टूडेंट शुड बी टेकन, हो गया आपका फोर्थ, कॉग्निटिव एटमोसफियर शुड बी क्रिएटेड सो दैट द रिस्पोंडेंट मे एक्सप्लेन द फैक्ट्स विदाउट एनी हेजिटेशन, स्टूडेंट्स में एक अच्छा व्यवहार आप करें, अच्छा एक वातावरण जो है वो एटमोसफियर पैदा करें ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो जाए एक्सप्लेन होता है विदाउट एनी हेजिटेशन. द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड पोलाइट, भी जैसे कई बार कोई लोग ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती है तो जो वो आसानी से जो लैंग्वेज समझ सकते हैं उसी लैंग्वेज का आप यूज़ करें, ना कि वहाँ पर अच्छी इंग्लिश बोलें या फिर इस प्रकार किसी हिंदी बोलें, जो उनकी एक आम बोलचाल की भाषा उसमें आप उससे सवाल पूछेंगे तो आसानी से उसको बता सकते हैं. स्टूडेंट्स फील द मोटिवेटेड एंड रीडली एग्री टू गिव द इंफॉर्मेशन, अवॉइड आस्किंग एनी सच क्वेश्चन दैट मे हर्ट, कोई इस प्रकार का सवाल नहीं पूछे जिससे उसको कोई हर्ट हो, समझते हो आत्मसम्मान को नुकसान हो सकता है, इस प्रकार से रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ दिस स्टूडेंट. एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आस्क द स्टूडेंट व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन
PC may provide other than what has already been provided by him. लास्ट में उसको प्रकार को जरूर कोई और अदर जानकारी अगर आपके पास है तो वो दे सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि आपके लोगों के पास इस प्रकार की जानकारी होती है. पे योर थैंक्स फॉर द ग्रेटफुलनेस फॉर स्पेयरिंग हिज हर वैल्यूएबल टाइम. और बाद में उसको धन्यवाद क्यों दिया आपने, जो थोड़ा जो कीमती समय देती है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. उस प्रकार से कुछ सोशल एटिकेट्स का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चनेयर सीरीज, आपका जो क्वेश्चनेयर है वो किस प्रकार से, इन दिस मेथड द सिंपल क्वेश्चंस एंड देयर द पॉसिबल आंसर्स आर रिटन ऑन ए प्लेन पेपर एंड द रेस्पोंडेंट्स हैव टू ट्रिक सॉरी टिक मार्क द पॉसिबल आंसर्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस एट द टाइम ए सेट ऑफ द स्ट्रक्चर्स. कई बार हम इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको टिक मार्क करना होता है, इसमें चार ऑप्शन जो लिखते हैं आपको कौन सा लाइक करता है और कौन जो है कैसे लाइक करता है उसके बाद में से मैसेज कर देंगे. A time is set of the structure questions are written and sufficient space is provided in the questionnaire where the respondent write their opinion. The objective of the survey should be clearly mentioned in the questionnaires. This method is useful in the carrying out the survey of the large region, bahut bade area mein. Even the questionnaire can be mailed so far the flung places, those areas mein bhi aapko de sakte ho. The limitation of the method is that only the literate and educated pupils can be approached. Isme jo तो क्या कि जो लोग पढ़े लिखे हैं एजुकेटेड हैं उनको ही वो कर सकते हैं दे सकते हैं. आम आदमी जो है जो एजुकेटेड है लिटरेट है उसको नहीं दे सकते. पीपल कैन बी अप्रोच टू प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सिमिलर टू द क्वेश्चनर दैट द कंटेंस द क्वेश्चन प्रेटनिंग टू द मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज द शेड्यूल्स. द ओनली डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चनर एंड द शेड्यूल्स इज दैट द स्टूडेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ असल फील्स ऑफ द क्वेश्चन अपने आप करे हुए किसी से बनवा दें. वेयर एज ए प्रॉपरली ट्रेंड एनोटेटर हिमसेल्फ फील ऑफ द शेड्यूल्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस एड्रेस टू द स्टूडेंट्स जो रिस्पॉन्ड उसके बाद में उससे क्वेश्चन क्या दिए और उसके डाटा बताए. द मेन एडवांटेज ऑफ द शेड्यूल ओवर द क्वेश्चनर इज दैट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बोथ लिटरेट एंड लिटरेट स्टूडेंट्स कैन बी कलेक्टेड. उसके कर सकते हैं भी आपको कुछ अच्छा लगता है इसमें कुछ सवाल कर सकते. Other method, the data about the properties of the soil and water are collected directly in the field by the measuring their characteristics using soil kit and water qualities kit. तो इस प्रकार से हम जैसे बाहर जाते हैं कोई तो soil के बारे में water के बारे में kit होती है उससे sample लेते हैं. And water quality kit. Similarly, the field scientist create data about the health of the crops. The crops की test करके और vegetation की test करके the transducers. इस प्रकार से देख सकते हैं इस figure में दिखाया गया. Field scientist taking the measure of the crop. यहाँ की crop किस प्रकार है. तो जब का primary data, secondary data आपको कल कराएंगे. तो आज के लिए लाइटिंग इतना ही काफी है. Thank you very much. इसको आप थोड़ा पढ़ें अगर आपके पास book है. अगर ये एनसीईआरटी की बच्चों को इसमें पढ़े आप मैं इसके लिए आपको एक अगर कभी आपको मौका लगता है तो स्कूल में संपर्क करें. कुछ लिखने वाली होती है एक कॉपी मेरे पास पड़ी है स्कूल में तो उसको देख कर सकते हैं. इसमें से लिख सकते हैं आप अपनी बुक में से भी एक अपनी एक अलग से कॉपी लगा लें और उससे कॉपी में जो है वो ये शुरू से आकर तक जो है कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट जो उसमें लिखे हैं मैं आपको बताऊँगा कैसे. अगर क्लास लग जाती है तो फिर वो ज़्यादा बेटर होगा लेकिन फिर भी आप एक अलग से इसके लिए कॉपी ले आए. जो मैंने आपको बताया जैसे भी डेटा क्या होता है इस प्रकार से वोट इस डेटा मेरे पास कुछ एक नोटबुक पड़ी है उसे देख करके भी आप लिख सकते हैं. तो आप स्कूल हो सकता है स्कूल में आइए कल या परसों आ सकते हैं आप उसी टाइम भी 9 से 1 बजे के बीच में और मेरे स्टूडेंट कर सकते हैं फिर आपस में आपसे चेंज आपको लिखा आपका कल नेक्स्ट बारे बताएंगे इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी डेटा का धीरे धीरे करके बताएंगे हमारे पास टाइम काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच.